गोविंदपुरी के रविदास मार्ग की तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं। दो सीसीटीवी आप देखिए। पहला देखिए यहाँ पर ऑटो वाले ने किस तरीके से एक ऑटो वाले को टक्कर मारी, जिसकी वजह से ऑटो जो है बीच सड़क पर पलट गया। देखा जा सकता है कि कहीं ना कहीं ट्रैफिक नियमों का पालन यहाँ पर नहीं किया जा रहा है। दिल्ली पुलिस ट्रैफिक की तरफ से कई बार एडवाइजरी दी की जाती है कि जो ट्रैफिक नियम है उसका पालन करें, लेकिन यहाँ पर जो दिल्ली वाले हैं वो ट्रैफिक नियमों का पालन करते हुए नज़र नहीं आते हैं, और शायद इसी वजह से इस तरीके की तस्वीरें सामने आती हैं। ये तस्वीरें हैं शुक्रवार रात की रविदास मार्ग की, जो कि गोविंदपुरी इलाके में है, वहाँ की तस्वीरें। पहले देखिए किस तरीके से ऑटो वालों की टक्कर होती है, इसमें एक ऑटो पलट जाता है। राहत की बात ये रही कि इसमें जो ऑटो चालक था उसको मामूली सी चोट आई थी और कोई भी गंभीर रूप से घायल नहीं हुआ था। दूसरी तस्वीर आप देखिए, यहाँ पर एक स्कूटी वाले को किस तरीके से एक बाइक वाले टक्कर मारता है, इसके बाद वो बीच सड़क पर पलट जाता है। यहाँ पर भी जो दूसरे गाड़ी चालक था वो फरार हो जाता है, लेकिन यहाँ पर देखिए राहत की बात ये रही कि जो शख्स था सड़क पर गिरा है गाड़ी के साथ, उसको भी मामूली सी चोट आई थी। राहगीरों ने उसको उठाया, उसके बाद वो अपने घर चला गया। इन दोनों मामलों में दिल्ली पुलिस को कोई भी शिकायत नहीं मिली, लेकिन इन तस्वीरों को देखकर आप जरूर अंदाजा लगा लेंगे कि यहाँ पर दिल्ली वाले किस तरीके से ट्रैफिक नियमों का पालन कर रहे हैं, और ट्रैफिक नियमों का पालन नहीं किया जा रहा, शायद इसी वजह से इस तरीके की तस्वीरें सामने आती हैं। तस्वीरें हैं दिल्ली के गोविंदपुरी के रविदास मार्ग की, जहां पर देखिए शुक्रवार को किस तरीके से हुआ एक्सीडेंट। आपका नाम? किशन। किशन जी, क्या हुआ था देर रात? सीसीटीवी में क्या दिख रहा था, क्या है? देखिए, हम दुकान बढ़ाने की तैयारी थी और हम बाहर खड़े थे, देखते हैं एक थ्री व्हीलर वाला बड़ी तेजी से स्पीड में था और एक और थ्री व्हीलर दूसरे साइड से आ रहा था। वो इतनी स्पीड में था कि उसने आउट ऑफ कंट्रोल हो गया वो, और उसने उसकी मतलब थ्री व्हीलर जो है पलट गया। पलटते ही जैसे ही हम भागे, उसको देखा, देखने के बाद में उसको उठाया तो दोनों आदमी बहुत ड्रिंक करके, बहुत मतलब धुत थे उसमें ड्रिंक में, ठीक है। जैसे ही उठाया उनको कुछ नहीं पता था। ऐसी कंडीशंस में कुछ और भी एक्सीडेंट हो सकते थे, वो तो रोड खाली था इसलिए ठीक हो गया सब कुछ, बचा कोई ना लगते हुए एक्सीडेंट होने के चांसेस नहीं हुए। क्यों नहीं इनको देखा जाता, पुलिस व्यवस्था इनको क्यों नहीं देखती है कि इतना ड्रिंक करके गाड़ी चलाते हैं?